भोपाल में 10 साल के बच्चे ने फांसी लगाई। माँ से फोन पर कहा अच्छा खाना लेते आना। बाजार से लौटी माँ तो फंदे पर लटका मिला बेटा। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए भोपाल की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, अशोका गार्डन में 10 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। वह जवाहर स्कूल में छठी क्लास का स्टूडेंट था, घर में अकेला था। माँ 16 साल की बेटी के साथ उसकी आंसर शीट जमा करने स्कूल गई थी। बाजार में उसके पास बेटे का फोन आया। बेटे ने कहा माँ अच्छा खाना लेकर आना। माँ घर लौटी तो जिगर का टुकड़ा सीलिंग फैन पर फंदे से लटका मिला। एकतापुरी कॉलोनी अशोका गार्डन में रहने वाले अक्षत सिंह फोटोग्राफर है। अक्षत सोमवार सुबह ही काम पर चले गए। पत्नी स्नेहलता बेटी को लेकर उसके स्कूल चली गई। घर में उसका बेटा रुद्राक्ष अकेला था। शाम को रुद्राक्ष ने पिता को फोन लगाया, माँ के बारे में पूछा। फिर उसने माँ को फोन लगाया, बोला मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लेते आना। माँ स्कूल के बाद बाजार कर देर शाम घर पहुंची। देखा तो कमरे के अंदर रुद्राक्ष फंदे पर लटका है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बेड पर टेबल लगाकर फंदा लगाया। बच्चे ने सीलिंग फैन से फांसी लगाई। उसने फैन में फंदा लगाने के लिए बेड के ऊपर करीब 1.5 फीट ऊंची टेबल रखी। टेबल पर चढ़कर उसने दुपट्टे का फंदा फैन में फंसाया और झूल गया। परिवार का बुरा हाल है। पिता ने बताया रुद्राक्ष पढ़ने में होशियार था, समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। उसे कोई परेशानी नहीं थी। सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि बच्चों को अकेला न छोड़े। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।